चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ अ मैन इन अ स्टेशनरी लिफ्ट एंड व्हेन इट इज मूविंग डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए इज 3:2। द वैल्यू ऑफ ए इज कितना होगा, जी क्या कह रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ। सबसे पहले दो सिचुएशन है, जब लिफ्ट जो है स्टेशनरी है, ये एक लिफ्ट है, लिफ्ट में एक बच्चा खड़ा है, माउंट मान लो वेइंग मशीन पे खड़ा है, तो अर्थ की ग्रेविटी इस पे फोर्स लगाएगी m इंटू जी, और क्योंकि लिफ्ट स्टेशनरी है तो यही उसका वेट भी होगा इस केस में। लेकिन दूसरे केस में जब लिफ्ट मूव कर रही है ए एक्सेलेरेशन से नीचे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लगेगा, लेकिन ए एक्सेलेरेशन से अगर लिफ्ट नीचे मूव कर रही है तो सूडो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ एफ पी। तो नेट फोर्स इस केस में जो होगा वो एफ जी माइनस एफ पी होगा, और एफ जी की वैल्यू है एम जी माइनस एफ पी की वैल्यू एम इंटू ए के इक्वल होगी, और एम कॉमन ले ले तो जी माइनस ए हो जाएगा, तो नेट फोर्स हो जाएगा इस केस में एम इंटू जी माइनस ए। इस पहले केस में जो नेट फोर्स होगा वो एफ जी के इक्वल होगा, यानी एम इंटू जी के इक्वल होगा। तो इन दोनों का रेशियो, यानी फर्स्ट सिचुएशन में ये फर्स्ट केस है, ये सेकेंड केस है, तो फर्स्ट केस में जो फोर्स होगा डिवाइडेड बाय सेकेंड सिचुएशन में, इसको F2 कह दो और इसे F1 कहो, तो F1 अपॉन F2 कितना होगा, M इंटू जी अपॉन M ब्रैकेट में G माइनस A, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, 3:2 के इक्वल है, ठीक है, 3/2, और मैं इसको M से M काट दूं तो ये आएगा G अपॉन G माइनस A इज इक्वल टू 3/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें, अगर 2 को उधर भेज दें, G माइनस A को उधर भेज दें, तो ये हो जाएगा 2G इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में G माइनस A, इसे आप ले सकते हैं 2G इज इक्वल टू 3G माइनस 3A, 3A को इधर भेज दो, 2G को इधर भेज दो, 3A इज इक्वल टू G आ जाएगा, यानी A इज इक्वल टू G बाई 3 हो जाएगा। एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, G बाई 3, A की वैल्यू G बाई 3, कौन सा ऑप्शन सही है, B वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।